हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं बहुत ही सुंदर मंदिर देखने के लिए जो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देख सकते हैं ये शिव मूर्ति दिल्ली के नाम से ये जगह प्रचलित है और पास में ही एयरपोर्ट भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, 6.5 किलोमीटर की दूरी में एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको प्लेन भी उड़ता हुआ दिख जाएगा और इसका टाइम टेबल भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, सब कुछ लिखा होता है, देख सकते हैं बोर्ड में। तो दोस्तों सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है और लाइट्स भी जलती है रात को। तो देख सकते हैं यहाँ पे श्री राम और माता सीता और बीच में भोले बाबा और साइड में फिर श्री कृष्ण और राधा रानी। तो यहाँ पे 3 बड़े बड़े मंदिर हैं और मूर्तियाँ हैं भगवान की। चप्पल जूते आप लोग साइड में यहाँ रख सकते हैं। ये साइड में आपका श्री कृष्ण और राधा रानी है, बीच में भोले बाबा महादेव और ये श्री राम और माता सीता। तो ये 3 बड़े बड़े मूर्तियां हैं भगवान की जो यहीं पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और पास से ही दोस्तों इस तरह का प्लेन गुजरता रहता है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों सामने ही एयरपोर्ट है 6.5 किलोमीटर की दूरी में, लेकिन उसका जो ग्राउंड है जहाँ पर उतरता है प्लेन वो इस रोड के उस पार में ही है, इसलिए यहीं से आपको सबसे नज़दीक देखने को मिलेगा ये प्लेन। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं, और बहुत ही शांति का माहौल है यहाँ पे। तो ये शिव मूर्ति दिल्ली में है दोस्तों, जो दिल्ली स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 21 किलोमीटर होगा दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इसका सबसे एक नज़दीकी मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली एरो सिटी, जो कि 2.5 किलोमीटर की दूरी में है। तो आप लोग चाहें तो आ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं, भगवान श्री राम और माता सीता तो अलग अलग साइड में रखा गया है, सभी मूर्तियों को बनाया गया है अच्छे से, बहुत ही बड़े बड़े मूर्ति यहाँ पे हैं। और ये रहा भोले बाबा का मूर्ति जो कि दोस्तों बहुत ही बड़ा है, और ये श्री कृष्ण और राधा रानी का मूर्ति है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही बड़े बड़े मूर्तियाँ यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा रानी जी के पैर के दर्शन कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी, ऑटो, बस, टोटो, मेट्रो, ट्रेन, सारी सुविधाएं मौजूद है। तो आप लोग आसानी से यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं भगवान का। बहुत ही शांति का माहौल है दोस्तों यहाँ पे, बहुत ही सुकून मिलेगा आप लोगों को। बिल्कुल रोड के बगल में है ये मंदिर, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब बाकी मूर्तियों के पास जाते हैं और उनको भी दिखाते हैं नज़दीक से आप लोगों को। राधा कृष्ण, श्री राम, माता सीता तो देख लिए, अब चलिए भोले बाबा की ओर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से बनाया गया है और ये क्षेत्र थोड़ा अच्छा है, घूमने लायक है, पार्क भी है साइड में, दोनों साइड में पार्क है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शिवलिंग भी है पास में, उसके बाद भोले बाबा आगे में है। तो दोस्तों इस पार्क में आप लोग बैठ भी सकते हैं और फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है साइड में। और ये दोस्तों सबसे बड़ा ये जो मूर्ति है भोले बाबा का, कम से कम दोस्तों ये मूर्ति 80 फीट का बताया जाता है, 80 फीट ऊंचा, तो बहुत ही बड़ा मूर्ति है दोस्तों यहाँ पे। और यही दोस्तों दिल्ली के लोगों का सबसे सुंदर आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे और भी मूर्तियाँ हैं भगवान की, जैसे कि यहाँ पे नंदी महाराज जी हैं और बीच में भोले बाबा, और ये साइड में माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय हैं। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और अभी फ़िलहाल कुछ काम चल रहा है, मरम्मत वगैरह हो रहा है शायद, या फिर पेंटिंग का कुछ काम हो रहा है, इसीलिए साइड साइड में कुछ लकड़ियों जैसा बनाया गया है, पंडाल वगैरह जिस तरह बनता है उस तरह बनाया गया है, ताकि लोग आसानी से चढ़ के उस पर कुछ काम कर सके, या फिर कुछ विकास हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और दोस्तों अभी शाम का टाइम है, शाम का टाइम अच्छा है दोस्तों, ज़्यादा धूप नहीं है। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने लायक दिल्ली में। तो दोस्तों ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें।